हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉम पावर में। आज हम आपको बताएंगे भरवा शिमला मिर्च की रेसिपी। तो हमने कुछ बॉइल किए हुए आलू ले लिए। इन्हें सबसे पहले हम अच्छे से छील लेंगे। इस तरह से हमें हाथों की सहायता से इन्हें इस तरह से छील लेना है, सभी आलूओं को जिनका छिलका उतार लेना है, बॉइल किए हुए आलूओं को। और फिर एक जगह हमें इन्हें रख लेना है सभी के छिलके उतारने के बाद। इस तरह से हमें सभी को छील छील कर रख लेना है। फिर इसके बाद हमें इन्हें इस तरह से फोड़ना है। फोड़ने के बाद अब इन्हों में अपने मसाले डालते हैं। सबसे पहले हम ये मिर्च डाल रहे हैं। मिर्च पाउडर के बाद हम धनिया पाउडर डालेंगे। धनिया पाउडर के बाद हम इसमें काला नमक डालेंगे। ये हमने मैगी मसाला डाला है इसमें। ये हमने गरम मसाला लिया है। ये हमने नमक लिया है, वाइट नमक लिया है 1 स्पून। इसके बाद ये हमने थोड़ा हींग लिया है इसमें डालने के लिए। अब हम इसमें अपनी बारीक कटा हुआ एक प्याज जो हमने काटा था वो इसमें डालेंगे। ये हमने प्याज डाल दिया है। प्याज के बाद हम इसमें अब हरी मिर्च डालेंगे। और अब इन्हें हम सभी सामान अब जो हमने सभी सामान डाले इन्हें सभी को हाथ की सहायता से इस तरह से हमें सभी को मिक्स कर लेना है एक जगह। जो हमारी पिट्ठी है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है शिमला मिर्च के लिए। अब हमने जो हमारी शिमला मिर्च है इन्हें ले लिया है। इन मिर्चों को हम अच्छे से इनके जो ये डंठल है इन्हें निकाल कर और अंदर से भी साफ करके हम इनमें फिर पिट्ठी भरेंगे। इस तरह से चक्कू की सहायता से हमें इन्हें अंदर से साफ कर लेना है अच्छे से। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमने अंदर से साफ कर लिया है। इस तरह से हमें बिल्कुल साफ़ कर लेनी है। फिर हमें इनमें पिट्ठी भरनी है। जो हमारी बनी हुई पिट्ठी है वो हमें इस तरह से इन्हों में हाथ की सहायता से इस तरह से हमें इनमें अच्छे से इन्हों में अंदर तक भर लेनी है। जो हमारी मिर्ची हैं सारी उन्होंने सभी में इस तरह से हमने ये अपनी मिर्च को पूरी तरह से पिट्ठी से भर लिया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमने भर कर ये तैयार कर ली है। इसके बाद हमारी जितनी भी शिमला मिर्च है हम उनको सभी को अच्छे से भर कर रख लेंगे। ये हमने अपनी सभी मिर्चों को भर कर रख लिया है। और ये हमने थोड़ी सी पिट्ठी बचा ली है इसमें से मसाले में डालने के लिए ताकि थोड़ा। और इसके लिए अब हमने ये गरम तेल कर लिया है अपनी मिर्चों को छोंकने के लिए। ये हमने सबसे पहले इसमें जीरा डाला है। तेल हमारा गरम हो चुका था तो सबसे पहले हमने इसमें जीरा डाला है तेल में। जीरे के बाद हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च के बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज डालने के बाद हम इन्हें एक बार अच्छे से चला लेंगे। अच्छे से चलाएंगे, भूनेंगे इन्हें अच्छे से तेल में। अब भुनने के बाद हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। मसाले हम हल्के डालेंगे क्योंकि हमने अपनी पिट्ठी में मसाले डाले। तो सबसे पहले हमने मिर्च डाली है। अब इसमें हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। इसके बाद हम इसमें धनिया पाउडर डाल रहे हैं। इसके बाद ही हमने वाइट नमक लिया है क्योंकि हमारे आलू की पिट्ठी में भी था तो हमने यह सिर्फ कम लिया है। इसके बाद ही हम कस्तूरी मेथी डाल रहे हैं। इसके बाद ही हम लाल मिर्च रंग वाली जो होती है वो हम इसमें थोड़ी डाल रहे हैं। थोड़ा पानी डाल लें जिससे हमारे मसाले अच्छे से भुन जाए। हम अपने मसाले को एक बार अच्छे से चला लेते हैं। चलाने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे जिससे हमारा मसाला जो अच्छे से भुनकर तैयार हो जाए। और अब आप देख सकते हैं हमारा जो मसाला वो भुनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप भी देख सक भी सकते हो कि कितने अच्छे से हमारा मसाला भुनकर तैयार हो चुका है। इसके बाद जो हमारी आलू की पिट्ठी थी वो हम इसमें डाल देंगे ताकि जो हमारा रेसा है वो गाढ़ा हो जाए। अब हम अच्छे से इसमें पानी डालकर इसे थोड़ी देर
3 से 4 मिनट की आँच लगाएंगे, इसे अच्छे से पका लेंगे जो हमारा जो रेसा है ये गाढ़ा हो जाए। उसके उबलने के बाद फिर हम इसमें जो हमारी हरी मिर्च हैं शिमला मिर्च हैं वो इसमें हम रख देंगे। हमारा पानी जो मसाला है वो रखने लग गया है, तो अब इसमें अपनी शिमला मिर्च रख देते हैं। इस तरह से हमें अपनी सारी मिर्चों को रख देना है इसमें। हमने अपनी सारी मिर्चों को इसमें रख दिया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमने अपनी सारी मिर्चों को रख दिया, और इसके ऊपर हम ये थोड़ा थोड़ा मसाला डाल देंगे। इस तरह से सभी मिर्चों के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा मसाला अपना डाल देंगे। और डालने के बाद हम इन्हें एक प्लेट से ढक देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद हम इन्हें खोल कर देखेंगे। अब हम इन्हें खोल कर देख लेते हैं। आप देख सकते हैं 4 मिनट बाद ये इस तरह से हमारी मिर्च हो चुकी हैं। अब हम इन्हें एक बार पलट देते हैं ताकि दूसरी साइड से भी सीख सकें। इस तरह से हम इन्हें पलट कर वापस फिर हम इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए फिर ढक देंगे। इस तरह से हमें सारी मिर्चों को अपने को एक बार पलट लेना है। पलटने के बाद फिर हम इन्हें अच्छे से फिर ढक देंगे। हमने ढक दिए हैं। ढकने के बाद फिर हमने 3 मिनट की आँच लगाएंगे। 3 मिनट की आँच के बाद हम फिर इन्हें देखते हैं तो जो हमारी मिर्च है, जो हमारी शिमला मिर्च है, भरवा शिमला मिर्च की रेसिपी है, वो बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं। इस तरह से हम इन्हें एक बार पलट कर देख लेते हैं। ये जो हमारी शिमला मिर्च की रेसिपी है बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारी रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार हो हुई है। और ये आपको हमारी भरवा शिमला मिर्च की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।